आज हमारा प्लान है एक डे ट्रिप पे जाने का, पर उससे पहले थोड़ा फ्रेश हो ले। अच्छा, तो आज का प्लान? अबे साले, इतनी लेट वीडियो क्यों बनाता तू? रुको, बताता हूँ, बट थोड़ी बेटर लाइटिंग चाहिए पहले। हाँ, लास्ट वीडियो मैंने 21 जनवरी को डाली थी, बट उसके बाद काफी कुछ हो गया है। फर्स्ट एक तो ऑफिस का काम बढ़ गया थोड़ा, फिर उसके बाद सेकेंडली भाई की वेडिंग थी फरवरी में, तो सारा फरवरी तो उसी में निकल गया। फिर तीसरी बात, मैं बैंगलोर वापस आ गया बिकॉज कंपनी वाले ऑफिस खोल रहे थे तो आनी पड़ा। वी ऑल्सो मूव्ड इनटू अ न्यू हाउस, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो थोड़ा एडजस्टमेंट में टाइम लगा। अभी ट्राई करता हूँ थोड़ा रेगुलर वीडियो डालूँ। तो आज का हमारा प्लान है वंडरला जाने का। बैंगलोर में 2 साल हो चुके हैं मुझे, बट आज तक वंडरला नहीं गए। बट एनी हाउ आज चलते हैं। वैसे भी गर्मी काफी हो चुकी है। ओ भाई, ज्यादा लेट हो गए। ओहो, मासक मासक तो चाहिए। चलो, फील्ड ट्रिप हो गई हमारी स्टार्ट। एक बारी इंट्रोडक्शन ले ले सबका। तो ये है हमारे धीरज मित्तल और साथ में उनका छोटा भाई नारायण हरि मित्तल, ब्लैक टी शर्ट में। हाँ, और हमारे दूसरे फ्लैटमेट मिस्टर अंकित सहाय, द इन्फ्लुएंसर। और यहाँ हमारे यार मित्र। हाँ जी, मिस्टर केपी। इसको छोड़ो, आपका गाड़ी देखते हैं जिस पे हम जाएंगे वंडरला। रुको जरा, सबर करो।
हेलो कैमरा को हेलो बोलो। हेलो कौन बोलेगा? व्हाट इज दिस? बस निकल पड़े हैं हम अब अगले मुसाफिरों को लेने के लिए। Two hours later. ओहो, रिंका एंड फ्लैटमेट्स आ रहे हैं ना। काफी टाइम लगा दिया तुमने आने में। आओ जी आओ गीतांजलि जी, स्वागत है आपका। पक्का तैयार होने में टाइम तुमने लगाया ना, सच सच बताना। और ये गीतांजलि की छोटी बहन गार्गी। चलो फाइनली बस एक बंदा और रह गया उठाना। लास्ट साथी आ गया हमारा मिस्टर शाश्वता। जल्दी बैठो भाई, लेट हो रहा है। बस हर ट्रिप की सबसे मैंडेटरी गेम अंताक्षरी। डेढ़ घंटे और काफी सारी बेसुरी सिंगिंग के बाद हम पहुंच गए हैं फाइनली वंडरला। बस यहाँ पे थोड़ी सी बकचोदी करके हमने एंट्री टिकट्स ले की एंटर करके, और फर्स्ट स्टॉप था हमारा एडवेंचर राइड्स का, फिर उसके बाद हम जाएंगे पानी वाली में। क्या ही बताऊँ यार, मैं पहली राइड पे ही इन्होंने चूज़ कर लिया भाई इतनी खतरनाक राइड भाई, सब कुछ ही घुमाई जा रहा, सर गर्दन ऊपर नीचे 360 सब कुछ। बाकी का तो पता नहीं, बाकी को भी लग रही थी फटी हुई, चेहरे से पता लग रहा था उनके, बट बहुत खतरनाक थी यार। मतलब सीधे तक तो ठीक था यार, टेढ़ा करके क्यों घुमाया, साइडवेज भाई गर्दन टेढ़ी हो गई। चलो यार ये तो फिर भी ठीक थी, बट इससे अगली वाली और भी खतरनाक है यार भाई। ये भी कौन सा हट है भाई, 360 इसमें भी घुमा रहे हैं और इसमें और ऊपर लेके जा रहे हैं, ये नेक्स्ट स्टेप भी खतरनाक है। शक्ल दिख नहीं रही है बट शक्ल पे मौत आ रखी है मेरे। यहाँ पे वैसे सिलसिला ख़त्म नहीं होता है, इससे भी खतरनाक वाली लेने चल दिए थे हम सब। हमें लगा ठीक है रोलर कोस्टर नॉर्मल होगा, पर फॉर श्योर ये सबसे खतरनाक थी अभी तक की। बस सिट बैक और देखो क्या गजब फटेगी सबकी। कुछ भी कहो
रोलर कोस्टर में फटती है बट मजा पूरा आता है। आइए धीरज, मिस्टर किंग कॉन्ग, चलो अब आ रही है अगली राइड्स की। ये हम मंडला में है, यह हमारी गाड़ी पर है। यार उसमें देखो, दिस इज बाय फार द इजीएस्ट राइड। Although इस फ्री फॉल वाली राइड में इतना ज्यादा ड्रॉप नहीं था बट स्टिल इट वॉज फन। हाँ ये वाली फ्री फॉल थोड़ी पिछली वाली से बड़ी थी बट इट हैड सम फ्रिक्शन वाइल गोइंग डाउन, तो इतना फील नहीं हो रहा था फ्री फॉल, इतनी अच्छी नहीं थी ये राइड। बस अब टाइम आ गया था वाटर राइड्स का, हमने मैगी वैगी मंगवा ली थी लंच के लिए, मैगी खाई जा रही। बस पानी को देखते ही सबका बचपना बाहर आ गया, शुरू हो गए बच्चों के जैसे पानी फेंकते हैं एक दूसरे को। नाइस, इट वाज फन। तो अभी 4 बजे इनका वेव पूल स्टार्ट होता है तो हम वहीं पे थे, और सही बताऊँ वेव्स काफ़ी ऊँची थी यार, मैं आगे चला गया जाता, सारा पानी मुंह और नाक में जा रहा था। ऑल्दो आईफोन है तो वाटर रेजिस्टेंट बट मैंने वहाँ पे एक वाटरप्रूफ पाउच ले लिया था फ़ोन के लिए, 100 रुपये का था, बढ़िया था, फ़ोन बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ, तो इसलिए मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ पानी के अंदर, नहीं तो मैंने लेके जा रहा था भाई अपना फ़ोन पानी में चाहे जितना मर्जी वाटर रेजिस्टेंट हो। देखो रोका दे तमाशे, देखो आप पता नंद लेना है हमारा जी, क्या बात है जी, लग गया क्या। ऑल्दो पानी वाली काफ़ी राइड्स ली थी मैंने बट सबको रिकॉर्ड नहीं कर पाया फॉर ऑब्वियस रीजंस, पाइप के अंदर वीडियो नहीं आएगी अच्छे से, बट दिस वन वाज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल। पानी के अंदर हाथ पैर मारने के बाद हमने सोचा कि पानी वाला रोलर कोस्टर भी ट्राई कर ही लेते हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी इससे बट उतना भी खतरनाक नहीं था, बट छोटा सा था, बढ़िया था। कैसा लग रहा है आसमान की ऊंचाइयों में? फिर बस थोड़ी बहुत राइड्स लेके हम पहुंच गए स्काई व्हील पे, द हाईएस्ट पॉइंट इन मंडला। मेरे को लगता है हाइट से। तो हमने कौन कौन सी राइड्स नहीं किए, लेट्स सी। काफी अच्छा व्यू है यहाँ पे, यहाँ से पूरा मंडला और आसपास की जगह दिखती है, a nice experience I must say. बस राइट अबाउट नाउ फ़ोन की बैटरी होगी थी डिस्चार्ज, फिर उसको चार्ज किया बैटरी बैंक से और दिन भी ख़त्म हो चुका था तो लाइट शो चल रहा था स्काई व्हील पे, वो देखा हमने, काफ़ी बढ़िया था। Bye guys. Bye. 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 निकलो सर, निकल क्यों नहीं रहे तुम? तो बस वापस जाने की जर्नी होगी थी स्टार्ट, थका देने वाला दिन था बट अ वंडरला एक्सपीरियंस आई मस्ट से। अंत हो चुका है ट्रिप का।